हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तरन्नुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट चिकन कोरमा। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, 3 छोटी इलायची है, 1 फूल जावित्री का है, 1 तेज पत्ता है और 1 बड़ी इलायची है, 2-4 लौंगे हैं। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज हमने ले ली थी, इसे ऑमलेट कट हमने काट लिया है। ये 10 हमने ग्रीन चिली ले ली है। और यहाँ पर ये 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून ये व्हाइट पेपर है। यहाँ इसमें व्हाइट पेपर जाएगा क्योंकि ये व्हाइट चिकन कोरमा है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 15 काजू हैं जिसे मैंने 1 घंटे भिगो दिया था क्योंकि हम ये मुलायम हो गए थे। और ये 15 बादाम है जिसे हमने भिगो के इसका छिलका उतार दिया था, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और 1 बाउल ये दही का है और 1/2 बाउल ये दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई है घर की। आप चाहे अमूल की भी ले सकते हैं क्योंकि घर की जमी हुई मलाई का टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने घर की मलाई ली है, आप अमूल की भी ले सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पर हमने ये 1 सर्विंग स्पून भर के हमने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है और 1 सर्विंग स्पून भर के हमने देसी घी ले लिया। आप चाहें तो पूरा देसी घी में बना सकते हैं और चाहें तो पूरा वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। हमने 1/2 लिया है। तो देखिए तेल अच्छे से हो गया। हम अभी इसमें ये हम खड़े मसाले डाल देंगे और जब मसाले अच्छे से तड़क गए हम इसमें ये हरी मिर्चें डाल देंगे। और ये प्याज डाल देंगे और प्याज को हम कोई इसका हम ना हम इसे ब्राउन करेंगे, बस इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाने तक हम इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। सिर्फ हमें प्याज का कच्चापन हमें दूर करना है। तो देखिए इसे हमें भूनते हुए 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। सॉल्ट डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे जब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्मेल ना चली जाए, इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। ये एक शाही डिश है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। इसे आप दावतों में या पार्टी में किसी में भी आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अदरक लहसुन डाल के भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल गया और ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ये व्हाइट पेपर डाल देंगे, इसे अभी डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। अब हमने ये जो आपको काजू बादाम मेंशन किए थे उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब ये हम ये डाल देंगे क्योंकि ये व्हाइट चिकन कोरमा है तो इसे हम बहुत ही शाही और इसे रिच तरीके से बनाते हैं। इसमें कोई ये दूध मलाई दही सारी व्हाइट चीज़ें और ये बनके भी बहुत मज़ेदार तैयार होता है और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम ये दही डाल देंगे और दही डाल के लगातार हाई फ्लेम पे इसे चलाते रहेंगे ताकि दही फट ना जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखने में भी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी डिश है। अब हम ये मलाई डाल देंगे, मलाई डाल के भी इसे लगातार चलाएंगे ताकि मलाई फट ना जाए हाई फ्लेम पे। और अब इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक ये तेल इसका सेपरेट ना हो जाए और ये अच्छे से भुन ना जाए और लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें हमने काजू बादाम डाले हैं, अगर चलाएंगे नहीं तो वो तला पकड़ लेंगे, इसीलिए लगातार चलाएंगे। तो देखिए इसे हमें भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गया और इसका तेल भी देखिए सेपरेट हो गया। अब आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। वैसे तो ये गाढ़ा ही रहता है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पहले हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे।
और हम अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसे इसमें जिसमें हमने इसे ग्राइंड किया था वही धो के हमने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही रहती है, ज़्यादा पतला इसमें शोरबा नहीं किया जाता। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक के 10 मिनट पकाएंगे ताकि चिकन हमारा थोड़ा टेंडर हो जाए। देखिए इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो गया। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसका फाइनल लुक आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है वाइट चिकन कोरमा। इसे आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप चाहे तो नान के साथ, चपाती के साथ, कुलचों के साथ, जिसके साथ चाहे एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।